थीटा इनटू, ठीक है, कॉस का, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा और प्लस वन। क्या यही प्यार है, देखो क्या यही आंसर है, डी बराबर माइनस वन। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए, अगर आपने सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं, एक एक करके सभी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक को पकड़ करके इससे 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 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक, इसको टैन को पकड़ के इसके साथ, टैन को पकड़ के साथ इसके साथ, टैन को पकड़ के इसके साथ, इस तरीके से सेक को पकड़ के इसके साथ, सेक को इसके साथ, सेक को, साइन थीटा का क्या होता है, वन बाई कॉसेक थीटा, ठीक है, इसी तरीके से टैन थीटा बराबर क्या होता है, देखो ध्यान दो, है ना, वन बाई कॉट थीटा, इसी तरीके से कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा, ठीक है। चलो ये सिर्फ चीजें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है, तो टैन का तो सीधा सीधी आंसर हो गया वन बाई कॉट का, इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉट ए हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, आपका स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल एम आई अप टू डेट पे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि आज हम लोग बिंदास तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का सबसे खतरनाक वाला जो एक्सरसाइज है वो 8.4। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बात कर रहा हूँ 8.4 जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सबसे हार्ड एक्सरसाइज होता है, ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो बहुत टफ हो जाएगा, है ना, तो हम आज आपको लेकर के आए हैं सबसे इजी करने के लिए, जो एक्सरसाइज 8.4 है वो सबसे इजी होने वाला है आज का, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ स्टेप बाय स्टेप कि हम किसी भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो तरीका जो आज आपको पता लग जाएगा आपके इस वीडियो में। तो आपका प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल एम आई अप टू डेट पे, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए लास्ट में कि आप कहां से देख रहे हो, अब भी बता दो, और लास्ट में मुझे ये बताओ कि आपको कहां पे कौन सा प्रॉब्लम लगा, या प्रॉब्लम नहीं लगा तो फिर बड़ा अच्छा ही बात है, और इसी तरीके से हमें ये बताएंगे कि बहुत अच्छा लगा सर या बहुत खराब लगा। खराब वाला बात नहीं लिखना यार, ऐसा तो बहुत दुख लगता है क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए मेहनत करके आप तक ये वीडियो लेकर के आते हैं। तो चलिए आपको मैं वो तरीका सिखाने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.4 जो एनसीईआरटी ने इस साल नेगलेक्ट किया है, जो नए प्रिंट आउट हुए हैं उसमें खत्म कर दिया है। तो ये 8.4 काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आपने ये कर लिया है तो आपके जो आने वाले टाइम है, ठीक है, उसमें आपका जो है बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज 11-12 में फिर आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से अगर ये एनसीईआरटी ने सोच करके नहीं दिया है, तो ये बड़ा गलती है। अब मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, तो हम लोग पहले तो क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं, राइट साइड से सॉल्व करेंगे या लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखने के बाद सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो लेक्चर में पेशेंसली बना करके आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ ताकि आप ना ये वीडियो पूरे तरीके से देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक भी प्रॉब्लम जो है ऐसा ना हो कि आप उसमें फंस जाओ। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो जितने भी एक्सरसाइज हमने 8.1, 8.2, 8.3 जितने भी मैंने ये सारे पढ़ाए हैं, ये सभी को आप जाकर के प्लेलिस्ट में या मेरे YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये कंप्लीट करो, चलो शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो मेन जो फार्मूला है मैं उसको लिख देता हूँ ताकि आपको सभी चीजें समझ में आने लगे धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला इस साइड लिख दूं, उस साइड लिख दूं, चलो इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। चलिए पहला फॉर्मूला जो आप जानते हैं, ठीक है, क्या है, यहां लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, दिख रहा है यहां पे, ओके। चलिए इसी तरीके से इसके दो फॉर्म बनते हैं, तीन फॉर्म बनते हैं, एक तो पहला ये है और दूसरा कौन है वो अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपके सामने, ठीक है। चलिए अगर मैं कॉस को उधर भेज दूं तो क्या मेरे पास बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कॉस को इधर रखूं, साइन को उधर भेज दूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको आप देख रहे हो, ठीक है, इसको समझना, ये पहला फार्मूला था। इसी तरीके से आप देखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन होता है,
इसके दो फॉर्म क्या होंगे उसको भी लिख लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में बड़ा आसान हो, है ना। तो मैं अगर tan उधर भेज दूं तो क्या बनेगा मेरे पास, sec square theta is equals to 1 plus tan theta, tan square theta, ठीक है। या तो अगर प्लस में है तो आप यहाँ पे देखेंगे tan square theta जो है प्लस में है, तो आप tan square theta plus 1 भी लिख सकते हैं, 1 plus tan square theta भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत प्लस में नहीं आता है। लेकिन अगर tan को मैं उधर भेज दूं और 1 को इधर लेकर के आता हूँ, तो वो 1 जो है इधर माइनस दिखेगा और tan क्या हो जाएगा उधर पॉजिटिव दिखेगा। तो tan square theta is equals to क्या हो जाएगा, आप इधर लेकर के आओगे तो मेरे को दिखेगा sec square theta minus 1, ठीक है। ये मेरा था दूसरा, और दूसरा का ये तीन फॉर्म बन गया। यहां तक दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, ओके। अब यहां पे आ जाइए, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या है, कॉसेक कॉट, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसके उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे कि टैन में भी ऐसा ही कुछ था प्लस के साथ, तो आप चेंज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप यहाँ पे कॉट को उधर भेजेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू इधर आएगा माइनस, तो क्या बचेगा मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मेरा था तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब इतनी कहानी समझ में आ गई होगी आपको। चलिए तो मैं यहाँ पे, ठीक है, ये तीन फॉर्म और ये तीन फॉर्म, अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको याद करना चाहिए। और कौन कौन से छोटे छोटे याद करने के लायक है उसको हम बीच बीच में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे तो आपको करके भी दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो पहला प्रॉब्लम में आते हैं, पहला प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए, कॉट ए के फॉर्म में आपको लेकर के जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, साइन ए है ना सेक ए एंड टैन ए, टैन ए को कहाँ लिखना है, किस चीज में लिखना है, हमको हमको लिखना है कॉट ए के फॉर्म में, सभी को हमको कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए साइन से शुरू करते हैं, साइन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ भाई हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बड़ा वार्म अप करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो बड़ा अच्छी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक। अब कॉट का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो गौर से आप देखो, है ना, कॉट और कॉसेक के साथ बनता है, क्या बनता है, कॉट कॉसेक। अब देखो साइन कॉस, साइन कॉस, ठीक, सेक टैन, सेक टैन, सेक टैन, सेक टैन। तो बहुत टाइम्स अगर आप रिपीट कर रहे हो ना किसी एक को, ब्लू वाला को, ठीक है, ब्लू वाले जो फॉर्मूले हैं उसको आप ध्यान दो, काफी इंटरेस्टिंग है। साइन कॉस के साथ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक और टैन और कॉसेक और कॉट के साथ जब बनता है तो यहाँ पे माइनस होता है इज इक्वल टू 1, ठीक है। बड़ा ईजी है, अगर आपको ये नहीं आता है तो इसको रिपीट करना पड़ेगा, माइंड में कुछ इल्यूजन्स या रिदम बनाना पड़ेगा, जो लॉन्ग टाइम मेमोरी बोलते हैं हम लोग, है ना, बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो जैसे सेक्टैन 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 सेक्टैन, तो कुछ ना कुछ तो माइंड में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ रिदम बन रहा होगा, उसको याद रखेंगे ना, सेक्टैन, ठीक है, सेक्टैन कॉसेक कॉट कॉसेक कॉट कॉसेक कॉट, ठीक है, साइन कॉस साइन कॉस, तो इस तरीके से भी याद करा जा सकता है। तो और भी बहुत सारे हैं जो लोग बनाते हैं फॉर्मूला कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या मैं साइन को क्या लिख सकता हूं, साइन ए को क्या लिख सकता हूं, 1 बाई कॉसेक ए लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल साइन का, ठीक। अब कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे बाबू कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉट उधर चला गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या मैं कॉसेक सिर्फ लिखना चाहूंगा, सिर्फ कॉसेक लिखना चाहूंगा, तो क्या ये स्क्वायर इसके ऊपर रूट ओवर करेगा, बिल्कुल करेगा। चलिए तो मैं लिख लेता हूं यहां पे 1 बाई क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, ठीक है, हो गया आंसर। कॉट के फॉर्म में दिख रहा है ये, देखो ये कॉट के फॉर्म में हो गया, हो गया आंसर। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं, सेक ए, सेक ए, सेक ए आप देखेंगे सेक टैन के साथ बनता है, सेक किसके साथ बनता है, टैन के साथ बनता है। सेन सेक को रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस बनेगा, क्या कॉस के साथ यहाँ पे साइन का बन रहा है, कॉस बन रहा है, तो कॉस साइन के साथ बनाएंगे फिर लेकर के जाएंगे तो कॉट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आने में, तो हम सेक के साथ काम करते हैं, सेक को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वन प्लस कॉट टेन स्क्वायर थीटा, और टेन को जो है हम लोग कॉट में चेंज कर देंगे, ठीक। तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक इज इक्वल टू, सेक स्क्वायर है तो रूट ओवर करेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक है, क्लियर है। अब टेन को हम लोग क्या बनाएंगे, टेन को बनाएंगे कॉट, तो टेन कॉट बनेगा तो क्या करेगा, टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कौन होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, वेरी गुड, वन प्लस वन बाई कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका ये रूट। अब इसके नीचे कुछ नहीं है बाबू, तो क्या है, एक है, बड़ा स्टेप बाय स्टेप देखना, बहुत मजा आएगा, काफी चीजें समझ में आने वाली है, तो कंटिन्यू रहेंगे, तो सभी क्वेश्चन हम लोग एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जा रहा है, आपको समझना है और इसको करना है ना। चलिए जहां पे दिक्कत लगे ना आप वीडियो पॉज करो, ठीक है, और वहां पे पेन लो और कॉपी लो और उसको सॉल्व करो कि हाँ ये भाई ये कैसे हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो वेरी गुड। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन का जोड़ घटाव आता है ना, फ्रैक्शन एडिशन, तो इसका एलसीएम लेंगे, है ना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट और एक, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट के साथ वन का करेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट है ना स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉट के साथ कॉट क्या हो जाएगा, फिनिश, तो यहाँ पे हो जाएगा वन, और ये रहा आपका रूट ओवर, ठीक है। तो क्या रूट दोनों पे है, ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी है, तो क्या मैं सेक ए को ऐसे लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई कॉट स्क्वायर थीटा, इसका रूट और इसका रूट लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं भाई, रूट तो ओवर दोनों पे है, तो रूट ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, यहां पे देखेंगे ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट होता है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब जो है यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं है थीटा चल रहा है, सॉरी मैं थीटा बना करके चल रहा था, यहां पे ए है तो आप ए ए लिखोगे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं यहां पे एंगल का डिफरेंस है तो थीटा मैं कर देता हूं, यहां पे थीटा हो गया, तो थीटा का फॉर्म में आप लिखेंगे, ए के फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो ए के फॉर्म में आप लिखेंगे, कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है, प्लस वन का रूट, और यहां पे जो है रूट और कॉट स्क्वायर कट गया तो यहां पे बचा कॉट थीटा, चलिए कॉट के फॉर्म में आ गया, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं टैन वाला, टैन ए बराबर, तो टैन ए बराबर भाई सबको पता है टैन का रेसिप्रोकल कौन करता है, सबका लिखना पड़ेगा हमें, साइन थीटा का क्या होता है, वन बाई कोसेक थीटा, ठीक है, इसी तरीके से टैन थीटा बराबर क्या होता है, देखो ध्यान दो, है ना, वन बाई कॉट थीटा, इसी तरीके से कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा, ठीक है। चलो ये सिर्फ चीजें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है, तो टैन का तो सीधा सीधी आंसर हो गया वन बाई कॉट, चलिए इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉट ए, हो गया, ठीक है। चलिए इतनी चीज समझ में आ रही है, क्लियर है बाबू, ओके ठीक है। तो पहला हमने सॉल्व कर दिया कॉट के फॉर्म में, कि कॉट के ये फॉर्म में देखो कॉट है, इसके अलावा कोई और नहीं है, इसी तरीके से यहां पे भी आप देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन कॉट थीटा है, जो कि सेक थीटा का हमने यहाँ पे लेकर के आया, इन द टर्म ऑफ लिखना था, आप क्वेश्चन एनसीईआरटी में देख लो, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, जो करना था मैंने वो करके आपको दिखाया है, ठीक है, टैन ए वन बाई कॉट ए, फिनिश। चलिए अगर ये आपको क्वेश्चन आता था पहले से तो आप स्कीप करके क्या कर सकते हो, आगे
बढ़ सकते हो, जो क्वेश्चन आपको चाहिए वहां पे आप जाओ, वहां पे जाकर के देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और आप फास्ट फॉरवर्ड पे भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वैसे भी बच्चे होते हैं जिनको डिटेल में चाहिए होगा, है ना, और वैसे टीचर्स भी होते हैं कि हाँ भाई हमें कंटेंट चाहिए बेहतर से बेहतर, ताकि मैं और भी बच्चों को कोचिंग में, स्कूल में पढ़ा सकूँ, है ना। तो उनके लिए भी है ये वीडियो, और सभी के लिए भी मैं वीडियो यहाँ पे लेक्चर डालता हूँ ताकि सभी को फायदा हो, समझ रहे हो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेके, सेके के फॉर्म में हमें लिखना है। चलिए ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। चलिए अब आपके पास आ गया है सबसे, मैं इसको कहता हूँ बच्चों के लिए बेस्ट क्वेश्चन। क्यों कहता हूँ, इसका रीज़न ये है ना कि आप काफ़ी ज़्यादा इस क्वेश्चन से सीख पाते हो कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना कि कई बच्चे राइट द टर्म ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेके। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैं ये सॉल्यूशन लेकर के नहीं खड़ा हूँ, सॉरी। अगर आपको लग रहा है कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है बच्चे, ये देख लो आपका एक्सरसाइज। ये जो मैंने एनसीईआरटी का पेज था ना, मैं उसको फाड़ लिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। और इधर भी देख लो आप, ताकि ऐसा ना लगे सर जो है चीट मार रहे, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन ना, सॉरी मैंने यहाँ से फाड़ लिया है, ठीक है। ये बुक है, और वैसे भी ये मेरा बुक जो है ना काफ़ी रद्दी हो गया था, फट गया सारा, है ना, बहुत पुराना बुक है। तो मैं सोचा कि ये पेज निकाल ही लूँ आपके लिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना, राइट द ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेके, सबको सेके के फॉर्म में लेके आना है। जैसे पहला साइन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन को सेक के फॉर्म में कैसे लाएंगे हम। साइन बराबर होता है साइन कॉस इज इक्वल्स टू वन, तो साइन को कॉस कैसे लाएंगे सर, तो चलिए ले करके आते हैं, है ना। चलिए साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो क्या मैं साइन को, यहाँ देखो सेकेंड नंबर फॉर्मूला, ठीक है, क्या मैं यहाँ रूट, यहाँ स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या रूट बनेगा, ऑफकोर्स बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, ठीक है। इसको अब मैं कॉस को क्या लिख सकता हूँ, कॉस का रेसिप्रोकल मैंने अभी लिखा था कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा, है ना। तो सेक थीटा हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो वन माइनस वन बाई क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, कुछ नहीं है यहाँ पे तो एक है, तो यहाँ पे माइनस हटा के मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस था माइनस है, ठीक। अब इसको जोड़ घटाओ गुना भागा जो भी आता है आपको एलसीएम के तरीके से बना लेना है, बना लीजिए। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा मैं लिख दे रहा हूँ बार बार, सॉरी यार, यहाँ ए लिखो, आदत हो गई यार, ठीक है। ये आदतें हैं जो मजबूरियाँ, तुम लोग गुनगुनाने नहीं लगे यार, मेरी आदत खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन 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 वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन, सेक को काटेगा वन टाइम, वन मल्टीप्लाई करेगा वन से तो वन, ठीक है, ये अंडर रूट हो गया, ठीक। तो अंडर रूट जो है ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर माइनस वन बाई रूट, और नीचे लिख सकता हूँ रूट सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये रूट ओवर इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आंसर सेक स्क्वायर ए माइनस वन का अंडर रूट बाई सेक, है ना, सेक स्क्वायर, स्क्वायर तो खत्म हो गया रूट से, तो मुझे मिलेगा ए, ये हो गया आंसर, ठीक। तो सेक के फॉर्म में आ गया, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, सेक ए के फॉर्म में साइन को मिलाना। अच्छा कॉस को ला करके दिखाओ, चैलेंज दे रहे हो मुझे, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, है ना सर। चलिए देखो बाबू, अब लिखेंगे कॉस का, तो कॉस ए बराबर
क्या होगा, क्योंकि मुझे एंगल बोला ना ए लेने के लिए, अगर ए नहीं बोलता ना, थीटा बोलता ना, मैं थर 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 थीटा लिखता। चलो तो मुझे आदत है ना, ठीक, तो एंगल ए हो बी हो नो प्रॉब्लम, जो भी रहेगा आप वहां पे लिखना, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा ना, टीचर अगर खड़ूस रहा ना मेरे तरह नहीं, ठीक, तो वो नंबर काटता है उसमें, ठीक है, समझ गए। चलो मैं नंबर दे दूंगा, टेंशन मत लो। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस का तो रेसिप्रोकल ही सेक होता है, तो इसका आंसर बड़ा शॉर्टली हो गया सर, खत्म, सेक के फॉर्म में। तीसरा साइन कॉस, और बोलो साइन कॉस टैन, टैन ए बराबर क्या होगा, तो टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस, क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। वैसे भी टैन का सेक के साथ रिलेशन बन रहा है, तो उसके साथ हम कम कर लेते हैं, तो वन प्लस है ना, क्या हो जाएगा, सेक उधर जाएगा है ना, तो सेक स्क्वायर, ये वाला ये फार्मूला देखो टैन का, ठीक है, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, रूट ओवर करेगा। चलिए हो गया, बन गया टैन का भी बन गया। चार नंबर कॉट का बनाओ, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल वन बाई टेन ए, ठीक, तो टेन का ये आंसर पहले से है, तो मैं ये वाला चिपका सकता हूँ टेन की जगह पे, ये वाला, तो इसका आंसर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस वन का अंडर रूट। क्या सर आप चीटिंग कर दिए है ना, चिपका दिए, हा 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 हा, मजा आ रहा है, ठीक है। तो हो गया साइन कॉस टैन कॉट, तो और क्या बच रहा है, अब बच रहा है कॉसेक और सेक का, तो सेक तो खुद सेक में है, सेक तो खुद सेक में है, कॉसेक का हम लोग करेंगे, कॉसेक का लिख लेते हैं। चलो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक पांच नंबर दिख रहा है यहाँ पे, पांच नंबर कॉसेक ए बराबर, हाँ कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है वन बाई साइन ए, साइन ए, साइन ए का आंसर ये वाला आया था सर, तो क्या मैं साइन के जगह ये पुट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स बेटा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ए के जगह पे ये वाली पूरी बात, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाई सेक ए, सही है, दिख रहा है, वेरी गुड। अब ये चूंकि मेन लाइन है डिवाइडिंग, तो ये क्या होगा, ये रेसिप्रोकल बनके सेक ऊपर ये वाला नीचे, सही है, सही है। चलो ये वाला क्या करेगा, ऊपर, तो सेक चला जाएगा ऊपर, सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, आंसर आपके में, ठीक। चलो इतनी बात समझ में आ गया, वन साइन कॉस का, ठीक है, टेन का सेक फॉर्म, कॉट का सेक फॉर्म, इसी तरीके कॉसेक का सेक फॉर्म, इसी तरीके से सेक का सेक फॉर्म क्या होगा रे, सेक का सेक होगा सर, सेक का सेक ही होगा। चलो हो गया आंसर, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहो बच्चों, मेरे फोटो के साथ मतलब शर्मा जाता हूँ मैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है इवोल्यूट करने के लिए, क्वेश्चन नंबर थ्री में फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तरीका दो क्वेश्चन है इसमें, तो पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो चलिए इसको इवोल्यूट करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो पहले देखो यार, आप समझो थोड़ा सा, साइन स्क्वायर 63 और 27 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बन जाता है मेरे पास 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो सीधा सीधी जवाब ये है कि आप साइन को, एक साइन को कॉस में चेंज कर लो, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक, तो क्या मैं, यहाँ देखो साइन स्क्वायर 90 थी स्क्वायर, इसको 27 को मैं क्या
63 लिख सकता हूं। गौर से बताओ, 90 में से 63 गया, कितना बचेगा? 27 ही तो बचेगा। तो क्या मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूं? कॉस लिख सकता हूं, लेकिन एक फायदा यह होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो है अब यहां पे बनेगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। समझ गए बात को? चलो तो मैं यहां पे करने वाला हूं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस 63 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए यहां पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, है ना। 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस को कॉस रहने देते हैं। चलो इतनी कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो साइन तो साइन रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। प्लस साइन क्या हो जाएगा, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन क्या देगा, कॉस देगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। 90 में से 63 गया, कितना बचेगा बाबू? 27 ही तो बचेगा सर। क्या बचेगा? 27 ही तो बचेगा, है ना। समझ मारी बात? ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? समझ मारा है? हाँ, 27 ही तो बचेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस 63। ऑफकोर्स फिर से वापस माइनस करेंगे ना, साइन स्क्वायर 27 बनेगा। क्लियर है? तो कॉस स्क्वायर क्या कर जाएगा, 63 बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन, ये भी चेंज करके 90 माइनस 673, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो जरा गौर से, पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रे बाबू मुझे। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर 63, यहाँ भी थीटा सेम है, यहाँ भी थीटा सेम है, ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, क्या पहला वाला फॉर्म में मैच कर रहा है? तो मैं लिखूंगा इस पूरे के बदले 1 रे। चलो यहाँ पे 1, तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 1, ये हो जाएगा 1 1 1 आंसर सर। चलिए इतनी कहानी समझ में आ गई। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से था 8.3 एक्सरसाइज, आप कर जा करके देख सकते हो, बड़ा इजी है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखना चाहिए। अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं बहुत बढ़िया से पढ़ाया हूँ, प्यार से, ठीक। तो जा करके आप देखो, ठीक है। और पूरा जो लेक्चर है ना वो पढ़ा हुआ है कहाँ, प्लेलिस्ट में, हाँ ठीक है, प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर आप जा करके देखो तो आपको समझ में आएगा काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो वो कंप्लीट करो जा करके, ठीक है ना। आप बदमाशी मत करो यार, पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, इसको हटाए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बोलना नहीं पड़े, आप लोग ले लिया करो। चलिए ये देखिए हमारे ये थर्ड का सेकंड पार्ट है, साइन स्क्वायर साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। साइन यहाँ 25 है, यहाँ कॉस 25 है, कॉस 65 है तो यहाँ पे साइन 65 है। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं, क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ये। अब देखो हम लोग यहाँ पे ना कॉस को बना लेते हैं, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉस को साइन बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ क्या मित्रों, 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, 65 आ जाएगा, प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 25 डिग्री। क्लियर? चलो अब यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन 25 डिग्री इंटू साइन, अब कॉस जो है 90 माइनस 25, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो कॉस का क्या बनेगा, साइन बनेगा, और थीटा कौन है, तो 25 है यहाँ पे, तो 25 लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर अगर 90 माइनस थीटा होता तो क्या होता आंसर इसका, साइन थीटा होता, तो थीटा जो होता है वही तो लेना होता है, वही तो लेना होता है,
25 है तो 25 आ गया, cos क्या हो गया sin हो गया, प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन क्या हो जाएगा cos 25 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ सेम है साइन 25 साइन 25, तो दो टाइम्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर है ना 25 डिग्री। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वाला इक्वेशन ब्लू पार्ट में टॉप पे, टॉप राइट कॉर्नर पे दिख गया, क्लियर। क्या होता है इसका आंसर 1, तो हो गया आपका ये आंसर। चलिए तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे थर्ड नहीं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 9 sec² a - 9 tan² a इज इक्वल्स का क्या होगा राइट आंसर, क्या a बराबर 1 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा इसको सॉल्व करने पे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 9 इंटू यहाँ पे sec माइनस tan का फॉर्मूला क्या बनता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे बनेगा 1, दैट मीन्स 9 वंस आर 9 आंसर, सो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कीजिए, चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। चलिए यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस इनटू करके cot थीटा माइनस sec थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, a बराबर 1 0, b बराबर 1, c बराबर 2 और d बराबर माइनस 1, d बराबर माइनस 1, तो बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए, अगर आपने सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कीजिए सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं, एक एक करके सभी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक को पकड़ करके इससे 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 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक, इसको टैन को पकड़ के इसके साथ, टैन को पकड़ के साथ इसके साथ, टैन को पकड़ के इसके साथ, इस तरीके से सेक को पकड़ के इसके साथ, सेक को इसके साथ, सेक को इसके साथ, ठीक है। तो ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे, तो पहला पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, 1 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा चीज वैसे ही दिखेगा cot a थीटा, ठीक है, माइनस cosec थीटा। अब tan के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 tan थीटा, tan इसके साथ करेगा तो क्या हो जाएगा tan इंटू cot थीटा, tan इसके साथ करेगा तो माइनस tan थीटा इंटू cosec थीटा, क्लियर है। चलिए sec को इसके साथ करेगा तो क्या हो जाएगा sec प्लस sec थीटा, sec इसके साथ करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा, फिर sec करेगा इसके साथ, सॉरी cot है यहाँ पे, cot करेगा cot थीटा, sec इसके साथ करेगा तो माइनस, ठीक है, sec थीटा इंटू cosec थीटा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यहां हो गया 1, tan cot को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot यहां कट रहा है कहीं पे, cot सिंगल है नहीं है देख लो एक बारी, ठीक है, ओके, tan के साथ 1, cosec थीटा यहां पे है, यहां पे sec है और यहां पे क्या है, तो चलिए हम लोग सबको sin cos में चेंज कर लेते हैं। अब जो है यहां पे मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जो भी चीज़ प्रॉब्लम दिया हुआ है, अब जैसे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया यहाँ से यहाँ तक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा इजी है, ठीक। अब सभी को जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आप दिख रहे हैं, ठीक है, सभी को साइन कॉस में चेंज कर देना, साइन और कॉस के अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं दिखना चाहिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं दिखना चाहिए, दैट मीन्स अगर साइन कॉस है तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया, उसके बाद आपके पास बचता है एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, मतलब जोड़ घटाओ गुना भागा, यही बचता है, बाकी आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट है। तो चलिए मैं भी यही कर लेता हूं, आपको दिखा देता हूं, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं,
साइन थीटा प्लस टैन को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना, प्लस टैन को क्या लिख सकते हैं टैन को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉट को क्या लिख सकते हैं तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा है ना। इसी तरीके से माइनस इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉसेक को लिख सकते हैं साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ ये प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस सेक को लिख सकते हैं सेक को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉट को क्या लिख सकते हैं तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा इंटू वन बाई साइन थीटा कॉसिक को। ठीक, चलिए अगला लाइन में आइए, यहाँ दिख रहा है। अब देखो कटेगा वन, यहां से क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस है, यहाँ पे साइन बाई कॉस, यहाँ पे कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कट गया, यहाँ पे साइन से साइन कट गया। ठीक है, और कोई कट रहा है कॉस से कॉस कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा वन बाई साइन कॉस। ठीक, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉस बाई साइन दिख रहा है, कॉस बाई साइन। ठीक है, ओके, चलिए वन बाई कॉस कहीं और पे भी है, हाँ है, देखो यहाँ पे वन बाई कॉस है ना, और ये है नेगेटिव में और ये है पॉजिटिव में, तो क्या मैं इसको पूरा काट सकता हूँ, तो ऑफ कॉस काट सकते हैं। देखो ये वाला, ठीक, ये वाले पार्ट के साथ, तो ये कॉस वन बाई कॉस और ये वाला वन बाई कॉस, ये कट गया। ठीक, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, चलिए वन बाई साइन है, यहाँ पे वन बाई साइन और कहीं पे दे रहा है, ऑफ कोर्स दे रहा है, यहाँ देखो ये वाली, ये वाली यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे क्या है ये प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाई साइन कॉस तो कॉस कट गया था, ठीक है, तो वन बाई साइन यहाँ पे वन बाई साइन, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक, अब मेरे पास क्या बचा, वन यहाँ बच रहा है, यहाँ कॉस बाई साइन, यहाँ साइन बाई कॉस, और यहाँ पे तो कट करके वन आ गया, कॉस कॉस साइन साइन, तो वन वन टू हो गया। इसके बाद ये है कॉस बाई साइन और यहाँ पे आपको दे रहा है साइन बाई कॉस, यहाँ पे दे रहा है माइनस वन बाई साइन कॉस। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ वन प्लस, ठीक, इसी तरीके से वन और कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है प्लस वन। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे क्या दे रहा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, और एक दे रहा है आपको, ठीक है, कॉस बाई साइन और यहाँ पे दे रहा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, माइनस दे रहा है वन बाई साइन और कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बाबू, चलो यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसको बनाएंगे आप। ठीक, तो यहाँ पे जब आप बनाएंगे, ध्यान देना यहाँ पे, तो साइन क्या करेगा यहाँ पे साइन कॉस। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको साइन कॉस मिलेगा, और यहाँ पे साइन से साइन कटेगा तो कॉस जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा देगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा देगा। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रहा हूँ, घबराना नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, वन वन कितना हो गया टू हो गया, प्लस मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब मैं इस साइड आ जाता हूँ, ध्यान देना, साइन कॉस का एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पे दिखेगा, ठीक दिख रहा है, साइन कॉस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इनटू, अब साइन से साइन कट गया तो क्या बचा कॉस, तो यहाँ पे क्या देगा कॉस स्क्वायर थीटा देगा, प्लस कॉस से कॉस कट गया तो साइन साइन के साथ बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे देखो माइनस वन बाई यहाँ पे हो जाएगा साइन ये वाला, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो ध्यान देना यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे समझना, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि प्लस में है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो इसका वैल्यू वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन लिखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी है वन बाई साइन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया दो, आपका आंसर हो गया दो। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला स्टेप अगर आप खुद से नहीं लिख पाते हैं तो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये कट गया तो आंसर हुआ दो, यही आंसर। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो,
ताकि आपको सभी चीजें समझ में आ जाए बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये है हमारा फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। इसमें मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, लिख लीजिए। ए बराबर साइन सेक ए, बी बराबर साइन ए, सी बराबर कॉसेक ए और डी बराबर कॉसेक। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका, ठीक, इस क्वेश्चन मार्क का। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो वीडियो पॉज कीजिए और क्या कीजिए, खुद से भी सॉल्व कीजिए। तो चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, है ना। तो साइन क्या हो जाएगा, सेक, है ना, सेक वन जार सेक ए, सेक को क्या करेंगे माइनस सेक ए और साइन ए। अब टैन को करेंगे इसके साथ तो प्लस क्या देगा टैन ए, और टैन करेगा साइन के साथ तो माइनस टैन ए इंटू साइन ए। और आपको मैंने 50% सॉल्यूशन बताया था कि 50% सॉल्यूशन ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी पैटर्न को आप क्या कीजिए, सभी को साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। उसके बाद आप टेंशन नहीं लें कि आपको प्रूफ क्या करना है, लाना क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप इतना करेंगे, साइन कॉस में फॉर्म में चेंज करेंगे, तो उसके बाद आप जो है डिसाइड करेंगे कि आपको क्या लाना है, ठीक है। तो पहले हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो सेक का रेसिप्रोकल कितना बनेगा, कॉस ए, ठीक, माइनस सेक का क्या बनेगा, कॉस ए इंटू साइन ए, साइन तो साइन में रहने देते हैं, प्लस टैन का क्या बनेगा, साइन ए बाई कॉस ए, माइनस टैन का क्या बनेगा, साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक। चलिए अब ये है यहाँ पे साइन बाई कॉस, साइन इकम साइन, ठीक, या कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, प्लस यहां पे है एक साइन बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, माइनस साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। चलिए देखें यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है साइन स्क्वायर, साइन बाई कॉस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों गया। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो क्या मैं सॉल्व कर सकता है इसको साइन साइन का, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। कॉस कॉस का एलसीएम क्या होता है, कॉस होता है बाबू, ठीक, कॉस को कॉस के साथ क्या करेंगे तो वन आएगा, वन को वन से वन, माइनस माइनस कॉस के कॉस और यहाँ पे क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए। क्या मैं वन माइनस साइन स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ऑफ कॉस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए बाई नीचे है कॉस ए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, मतलब स्क्वायर खत्म, तो मेरे पास बचेगा सॉरी कॉस ए आंसर, ठीक है। चलिए देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया इतना कहानी, क्लियर है क्या करना है। सबसे पहले इसको हम लोग जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो चुपचाप से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आंसर है वो यहाँ पे सेक्वेंस बन गया। उसके बाद साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, कॉस कॉस साइन, साइन कॉस, साइन बाई कॉस साइन, और जो भी आपको जोड़ घटाव गुणा आता है वो सारा चीज करेंगे, आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करने का। आपने 50% से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आप यूज जो है, सिंपल तरीका है, एकदम तरीका एकदम बेस्ट है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक को आप साइन और कॉस में चेंज कर दो, सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए समझ में आ गया, ये रिपीट करना है, रिपीट कर दूं, ठीक। सेक टैन वन माइनस साइन ए दे रखा था, वाज इज इक्वल टू व्हाट, और ये ऑप्शन था आपका सेक साइन कॉसेक और कॉस। तो मैंने क्या किया है, इनको इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाला सेक्वेंस आ गया।
अब इसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में चुपचाप से लिख देना है। तो सेक को कॉस के फॉर्म में लिखा, सेक को कॉस और साइन को साइन रहने दिया, टैन को साइन बाई कॉस और टैन को साइन बाई कॉस इन टू साइन ए लिख दिया। अब जो भी था वन बाई कॉस, तो यहाँ पे साइन बाई कॉस आया, साइन एकम साइन, साइन बाई कॉस, यहाँ पे साइन बाई कॉस था, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हुआ माइनस प्लस होने के वजह से। ये हो गया, यहाँ बच गया आपका ये वाला पार्ट, साइन, साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और कॉस ए। ठीक, तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है वन बाई कॉस माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ठीक, अब इसको जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी आता है, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस हुआ, ऊपर जो सेम चीज है वन माइनस साइन स्क्वायर, साइन वन माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है आप यहां देख सकते हो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला दिख गया। ठीक है, उसके जगह पे हम लोग लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए पहले से था, तो हम यहाँ पे कॉस कॉस एक कॉस कटेगा, यहाँ पे दो स्क्वायर है तो कॉस से स्क्वायर कट गया, कैंसिल आउट, मर गया। ठीक, तो मेरे पास बचा कॉस ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का फोर्थ का फोर्थ पार्ट, वन प्लस टैन स्क्वायर ए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या आंसर होगा। चलिए, इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए और टैन स्क्वायर ए, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये ऑप्शन है आपका, आप चूज करके बताएं। चलिए मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ, वन प्लस टैन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बनता है, वन प्लस टैन स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर बनता है, सेक स्क्वायर ए बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर का क्या बनता है, तो कॉसिक बनता है, कॉसिक स्क्वायर ए। अब आपको हमने बताया था सभी प्रॉब्लम को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना है, तो सेक का क्या बनता है, कॉस बनता है, वन बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइड ये वाला लाइन, ठीक, और ये है कॉसिक है, सॉरी कॉसिक स्क्वायर ए ये वाला, वन प्लस कॉट स्क्वायर कॉसिक के साथ बनेगा, तो कॉसिक का क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन बाई साइन स्क्वायर ए। अब ये मेन लाइन जो है, ठीक है, वन बाई कॉस तो हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये वाला क्या करेगा, ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बाई वन। ठीक, क्या मैं लिख सकता हूं उसको, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस इंटू वन, तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस को क्या लिखते हैं, तो टैन स्क्वायर ए लिखते हैं, तो मेरे पास आंसर हो गया टैन स्क्वायर ए डी। चलिए, हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला बेसिक क्वेश्चन था कि हमको इसको क्या लिखना है, सेक, और इसको लिखना था कॉसेक, सेक को बना लिया मैंने वन बाई कॉस और कॉसेक को बना लिया वन बाई साइन, और इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म लिखा और फिर ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस को कहते हैं टैन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहां से जो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर फाइव, वन टू थ्री फोर, इसमें टोटल टेन क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन है तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये एनसीईआरटी का पेज है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर है, चलिए यहाँ पे, ठीक है, टेन क्वेश्चंस, तो टेन क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम जो ट्रिक बताने वाले हैं उसको समझो, ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। ठीक, लेफ्ट साइड और राइट साइड में प्रॉब्लम ये है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटीज है उसको आप सॉल्व करो, और जितने भी एंगल है सारे बेस्ड है एक्यूट एंगल, वेयर एंगल इज एक्यूट, एक्यूट नहीं रहेगा, 90 डिग्री से कम नहीं रहेगा, तो बाकी जितने भी फार्मूलेज हैं वो सारे के सारे काम नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात, क्यों नहीं करेंगे, उसको हम लोग 11th में पढ़ाते हैं, तो आप 11th में आएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, फिलहाल आप समझिए। ठीक, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो इस क्वेश्चन को तो मैं राइट से भी सॉल्व कर सकता हूँ और लेफ्ट से भी सॉल्व कर सकता हूँ, LHS और RHS, तो अगर दोनों तरफ से सॉल्व होता है तो कहीं से भी सॉल्व करो। दूसरी बात यहाँ पे आप राइट ले रहे हो या लेफ्ट ले रहे हो वो अलग सी बात है। ठीक, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि जब किसी राइट या लेफ्ट को ले रहे हो तो उसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है कि अगर लेफ्ट साइड से लिए और आगे जाते जाते जाते
मेरा कैलकुलेशन रुक गया तो आप वहां पर रोक देंगे और फिर राइट से चलेंगे। तो दोनों तरफ से चलेंगे तो लास्ट में जो स्टेप बचेगा वो दोनों इक्वल हो जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं हिंस करके कि हाँ भाई LHS RHS का इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं प्रूफ दैट। ओके, समझ में आ गया। तो चार बेसिक बात है, पहला लेफ्ट राइट जिधर से भी लेना चाहते हैं आप लेकर के बना सकते हैं। दूसरी चीज साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे, सारा प्रॉब्लम सॉल्व, उसके बाद कैलकुलेशन बचता है आपके बाद। तीसरा है लेफ्ट साइड से भी ले सकते हैं, राइट साइड से भी, दोनों तरफ से चलेंगे और दोनों आइडेंटिटीज को इक्वल करेंगे। तो पहला तरीका, चलिए तो आ जाइए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। तो यहाँ पे तरीका देख रहे हैं, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहले कॉसेक और कॉट का यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर है तो कॉसेक मैं लिख देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस और माइनस क्या बनेगा, माइनस टू कॉसेक, है ना, क्या बनेगा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। मुझे लाना है ये वाली बात, तो आना चाहिए। अब देखो कॉसेक और कॉट, क्या कॉसेक और कॉट का बन रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन वन, लेकिन यहाँ पे है वन, नहीं वन, तो यहाँ पे है माइनस, और यहाँ पे मेरे पास माइनस तो है ही नहीं, तब ऐसे में क्या करें, तो यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, ठीक है। तो क्या ये सॉल्व होगा, सॉल्व होगा, जल्दी से बताओ, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कॉस कर सकते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको कर लेते हैं कॉट है तो यहाँ पे करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, माइनस टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है, साइन कॉस के फॉर्म में, तो वन बाई क्या हो जाएगा इसका, वन बाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक, क्लियर। चलिए अब इसको देख लीजिए, साइन स्क्वायर है यहाँ पे, साइन है तो साइन स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। चलिए अभी हम इसको फिलहाल बढ़िया से लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस टू बाई साइन, है ना, स्क्वायर थीटा और टू कॉस थीटा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, सारे को बनाएंगे तो साइन क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, यहाँ पे आएगा वन प्लस यहाँ पे क्या देगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या देगा, टू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे गौर से देख सकते हो कि वहाँ पे मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, वन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ध्यान देना, ठीक है, वन प्लस नहीं माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक, यहाँ लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, अब कॉस लिख सकता हूँ, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू वन इंटू कॉस, ठीक, दिख रहा है, क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वन पे पावर टू हो सकता है, ऑफ कोर्स होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं, तो वन प्लस कॉस थीटा और एक बार लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा, सही है। तो यहाँ पे माइनस वाला दो टाइम्स है, तो एक माइनस वाला एक माइनस से चला जाएगा पावर, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा वन माइनस कॉस थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा, हो गया प्रूव्ड, ठीक, चेक कर लो आप, वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, ठीक। इसी प्रॉब्लम को मैं इधर से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, ध्यान देना, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं, आप सॉल्व कर सकते हो, क्या मैं इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो मैं लिखूंगा वन माइनस कॉस थीटा, यहां लिखूंगा
माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर ऊपर वाला गुना नीचे नीचे वाला गुना, ऊपर वाला क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सही है। यहां पे क्या हो जाएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो इसको मैं करूंगा सॉल्व करूंगा तो मुझे इतना आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, क्लियर है। क्या मैं अब इसको लिख सकता हूं इतना, मैं ब्लैक पेन यूज करता हूं ताकि आप इधर वाला लाइन को उधर से मैच ना करो, ठीक है। मैं यहां देखें, ध्यान देना, अब यहां पे क्या हो जाएगा ये वाला वन माइनस कॉस, ठीक। तो वन माइनस कॉस को कॉस रहने देते हैं, यहां पे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं। तो यहां मैं स्क्वायर हटा सकता हूं, ठीक है, इस फॉर्मेट को, इन दोनों को मैंने गुणा किया था, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई था, तो एक बार प्लस में और एक बार था माइनस में, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा मेरा साइन, तो वन माइनस कॉस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन को देखो, है ना, अब इसको क्या करेंगे, साइन वन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर माइनस टू कॉस, ठीक, थीटा को तोड़ेंगे और हर एक के नीचे साइन स्क्वायर थीटा लगाएंगे, तो वन बाई साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म बनेगा कॉस एक, ठीक। इसी तरीके से कॉस बाई साइन का बनेगा कॉट, और वहां पे बन जाएगा कॉस एक माइनस कॉट का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आप आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एलएचएस से सॉल्व किया तो ये भी सॉल्व ठीक हो गया, ये भी करेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। आपको और लिख करके बता देता हूं, यहाँ पे वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, बाई साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस होगा टू ए बी, इसका होल स्क्वायर टूटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा टू कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसका फॉर्म क्या बनेगा, इसका बनेगा कॉस एक का, इसका बनेगा आपका कॉट का स्क्वायर, इसका बन जाएगा कॉस बाई साइन का स्क्वायर, तो एक साइन, यहाँ कॉस बाई साइन को क्या लिखते हैं कॉट लिखते हैं, ठीक है, और वन बाई साइन को हम लिखते हैं कॉसिक लिखते हैं, तो टू कॉट कॉसिक, इसको तोड़ेंगे, ठीक, तो आपको वो फॉर्म देगा। तो ये वाला जो पूरा फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसी का तो फॉर्मूला है, क्लियर समझ में आ गया। तो बड़ा इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, यहाँ पे काफी एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आपको पता लग गया होगा कि आपको कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करना है, कैसे हमको सॉल्यूशन करना है, सारी चीजें आपको पता लग गया होगा इस वीडियो में, ठीक है। इसी तरीके से आगे मूव करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे आपको दे रखा है कॉस बाई वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, यहां पे टू सेक है। अब देखो यहां आरएचएस है, यहां पे एलएचएस है, तो यहां पे ना एक ही टर्म है, एक टर्म है राइट साइड में, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकता हूँ टू सेक, तो सेक का क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन इससे ज्यादा हम स्टेप नहीं मूव कर सकते हैं, समझ में आ गई बात। तो मुझे मूव करना पड़ेगा एलएचएस से, और जो कि साइन कॉस के फॉर्म में पहले ही है, तो मुझे करना क्या है, इस पूरे चीज को हमको जोड़ घटाओ गुना भागा जो भी है हमको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे वन प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉस ए है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए वन प्लस साइन ए, सही है, वन प्लस साइन ए को इसको डिवाइड करेगा तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा कॉस, तो कॉस का कॉस क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ पे बचा वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, सही है। चलिए अब इसको तोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, कॉस के फॉर्म में कॉस स्क्वायर ए अब प्लस यहाँ पे वन और साइन है, तो इसको हम लोग वन का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक, इसी तरीके से प्लस टू साइन ए, टू साइन ए इंटू वन, इंटू वन टू ए बी, है ना, टू ए बी बाई नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए
वन प्लस साइन ए। चलिए इतनी बात कहानी समझ में आ गई। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, क्या मैं लिख सकता हूं साइन, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू वन लिख सकता हूं, वन लिख सकता हूं, वन का स्क्वायर कितना होता है वन लिख सकता हूं, प्लस टू साइन ए बाई, यहां लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए वन प्लस साइन ए, सही है। चलिए यहां वन वन कितना हो गया टू हो गया, प्लस टू साइन ए बाई कॉस ए वन प्लस साइन ए, दिख रहा है। ठीक, टू टू कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ले सकते हैं, ध्यान देना। चलो मैं इधर आ जाता हूँ, दिक्कत ना हो, टू टू कॉमन ले सकता हूँ, टू कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा वन प्लस, यहाँ टू निकल गया तो यहाँ क्या बचा साइन ए, ठीक है। नीचे क्या बचा कॉस ए, अंदर में क्या है वन प्लस साइन ए, सही है। वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए कैंसिल, ऊपर है टू और नीचे है कॉस ए, सही है। चलिए कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल 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 सेक टू सेक ए, प्रूव्ड। देख लो आप, ठीक है। चलो इतनी कहानी समझ में आ गई, तो बड़ा इजी था, साइन कॉस के फॉर्म में था, तो मुझे क्या करना था जोड़ घटाओ जैसे गुना भाग आता है, बस वैसे बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, आपका आंसर एट द एंड वो आ जाना है। बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक बड़ा खतरनाक टाइप का, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आपको एकदम बड़ा सिंपल सा है, इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उड़ा देना, गर्दा उड़ा देना, ठीक है। LHS से चलना है कि RHS से चलना है वो मैंने पहले बता दिया, नंबर वन। टिप नंबर टू, अगर आप देख रहे हैं कि LHS से चलना ठीक है तो LHS से चलेंगे, RHS से चलना है तो चलेंगे। टिप नंबर टू ये है, उसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, सबसे 50-60% प्रॉब्लम सॉल्व है। करना क्या है 50%? करना है ये कि उसका कैलकुलेशन करना है, जोड़ घटाओ गुना भागा जो भी है वो करना है, ठीक है। और जहां पे आइडेंटिटीज लग रहा है सेम टाइप का तो वहां पे आप चेंज करें, साइन कॉस है तो साइन कॉस का हमने लिख लिया वैल्यू वन, वन 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 का स्क्वायर वन, तो वन वन हो गया टू, और टू टू कॉमन ले लिया तो हमने यहाँ पे आपके अंदर बच गया वन प्लस साइन, वन प्लस साइन कट गया तो टू बाई कॉस बचा, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया था इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या लिख सकते हैं टू बाई कॉस लिख सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड स्टेप इसका। फिर पीछे जाओ फिर पीछे जाओ, तो क्या मैं ऐसे करते करते यहां पहुंच पाता? नहीं पाता, ठीक है, समझ में आ गई बात। टिप नंबर थ्री, LHS से चलेंगे, LHS से चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, फंस गए यहां तक आंसर नहीं आया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि RHS से चलेंगे और उसका आंसर लिख देंगे नीचे, तो LHS RHS मैच कर गया तो भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव का थर्ड, यहां पे देख लीजिए, tan थीटा बाई वन माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई वन प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, क्या लेना है मुझे वन प्लस sec थीटा cos थीटा। तो आपको पता चल रहा होगा कि मुझे LHS से चलना है कि RHS से चलना है, क्या इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, sec के जगह पे वन बाई cos और sin sec के जगह पे sec के जगह वन, और इसका लिख सकते हैं वन बाई sin, ठीक, इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं कर सकते। हम लोग चलेंगे फ्रॉम LHS, हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा तरीका। अब यहाँ पे आइए टिप नंबर टू, क्या इसको सॉल्व करना ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। क्या करना है, टैन में है कॉट में है, कॉट में है टैन में है, तो हमको सब के टर्म्स को साइन और कॉस में चेंज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। तो टैन को हम लोग चेंज कर लेते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉट को लिख लेते हैं हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये मेन लाइन है मेरा, ठीक, वन माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये है मेरा टिप, समझ में गया।
इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टैन को मैंने साइन बाई कॉस और कॉट को मैंने कॉस बाई साइन के फॉर्म में लिख लिया, जैसे उधर उसके बाद इधर। तो इसको हमको लाना है, तो मैं इसको आगे बढ़ा करके देखता हूँ। ठीक है, तो साइन बाई कॉस को साइन बाई कॉस ही लिखेंगे। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नीचे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन नीचे आएगा और ऊपर क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, प्लस इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। अब यहां देखिए, इसको यहां कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, जैसे इस वाले में था एक था, तो कॉस एक का एलसीएम क्या होता है, कॉस होगा। ठीक, और कॉस एकम क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस के साथ कॉस का डिवाइड हो गया तो वन, वन को साइन के साथ तो साइन थीटा। क्लियर है, चलिए इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, बड़ा सीरियस होके देखो, साइन बाई कॉस, अब ये मेन लाइन है बाबू, ये वाला भी मेन लाइन है, तो इतना बाई इतना है। ठीक है, तो क्या इसको रेसिप्रोकल बनेगा, इसका रेसिप्रोकल बनेगा, सही है, क्लियर है, यहां पे क्या हो जाएगा। ठीक, तो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस थीटा इंटू साइन ऊपर, साइन ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस प्लस। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू, ठीक है, कॉस ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए, इतनी कहानी आ गई। ऊपर साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, या हो जाएगा कॉस 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 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो, साइन माइनस कॉस है, यहां कॉस माइनस साइन दे रखा है। ठीक है, क्लियर है, और यहां पे कॉस है, यहां पे साइन है, क्लियर है। तो इसका और इसका क्या एलसीएम होगा, क्या एलसीएम होगा, तो मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं। ठीक है, क्या मैं इसको इंटरचेंज करूंगा, ध्यान देना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस बाहर निकाल ले और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं, ध्यान देना, साइन को यहां लिख दिया, कॉस को यहां लिख दिया, माइनस यहां वैसे ही है, लेकिन एक माइनस यहां पेनल्टी लगा, ये क्या फायदा करता है समझो, फिर से माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन देगा, जो कि पहले से माइनस साइन में है, पहले से कॉस पॉजिटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस। तो इस वाले में कोई चेंज नहीं आया, हमने सिर्फ क्या किया कि प्लसेस को चेंज करने के लिए यहां पे माइनस बाहर मुझे कॉमन लेना पड़ा। ठीक है, सेम एज सेम हम यहां पे भी ट्राई करेंगे, साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहां पे माइनस और यहां माइनस कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, यहां क्या हो जाएगा, साइन बाहर साइन इधर, ठीक, और माइनस कॉस अंदर साइड पे। ठीक, पलट दिया मैंने, पलट दिया, माइनस आ गया बाहर और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बना यहां पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसका और इसका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, तो यहां साइन, ये तो कॉमन बात है, ये कॉमन हो जाएगा, साइन कॉस भी हमारा एलसीएम में आएगा, यहां तक दिख रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम यहां पे मैंने लिख दिया, ये कॉमन था तो कॉमन रह गया, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस। ठीक, अब ये वाला बात इसको डिवाइड करेगा तो कॉस कॉस गया, साइन माइनस कॉस गया, तो यहां क्या बचा, साइन थीटा बचा, तो साइन ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा माइनस माइनस। ठीक है, अब यहां साइन कट गया, यहां साइन माइनस कॉस कट गया, तो बचा कॉस कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा देगा आपको। चलिए,
इतना कहानी समझ में आ गया, आगे बढ़िए। हम लोगों को क्या लाना है, ध्यान दीजिए, हम लोगों को लाना है 1 + sec θ cosec θ, क्लियर है? चलिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, गौर से देखो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन इंटू कॉस लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग, ध्यान दो गौर से, ठीक है? चलो देख लो एक बार। ओके, क्या हो सकता है, ध्यान देना, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू। अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो गया बच्चों के लिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, इसको समझना, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर? तो ये जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक, इस तरीके से। तो मैं भी इसको क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक बार माइनस, ठीक है, और एक बार यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्लियर है? ओके, चलिए तो लिख लेते हैं। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे है साइन, और बी क्या है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे बी जो है कॉस है, ठीक है, क्यूब है, समझ में आ गई बात? ओके, यहाँ पे साइन ए है, ये कॉस है। तो पहले मैं उस फॉर्मेट में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो पहले ये लिख लेते हैं साइन ए की जगह पे, ठीक, तो हो जाएगा साइन साइन थीटा, ठीक, माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब प्लस 3ab, तो ए बी है तो साइन कॉस होगा, क्या होगा, साइन ए थीटा इंटू कॉस थीटा, अंदर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या चल रहा है बाबू, नीचे चल रहा है हमारा, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक, नीचे साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस एज इट इज लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अंदर है साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है? चलिए अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे साइन माइनस कॉस क्यूब में है और यहाँ पे साइन माइनस कॉस सिंगल है, एक पावर है, तो क्या मैं इस पार्ट में प्लस इस पार्ट को साइन माइनस कॉस कॉमन ले सकते हैं, ऑफ कॉस ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं, हटा सकूं, ताकि मैं इसको आगे प्रोसेसर कर सकूं, आगे बना सकूं। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, टेक फास्ट, ओके, बाद में इसको कॉपी में नोट कर लेना, यहाँ पर आ गए हम लोग, ठीक है? तो हम लोग इसको हटा सकते हैं, ये वाला हटा दें, चलो इसको हटा लेते हैं, ठीक है? चलो समझना, एकदम दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ तक हो गया था, ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं, ऑफ कोर्स साइन माइनस कॉस कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले रहा हूँ, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक, प्लस प्लस 3 sin θ cos θ, 3 sin θ और cos थीटा यहाँ पे इंटू है, ठीक, ये तो निकल गया बाहर, और यहाँ पे बचा हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। नीचे क्या है, नीचे एज इट इज आप देख रहे हो साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ओके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, मर गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस था, क्लियर है? तो ऊपर मेरे पास ये वाला बात बचा और ये वाला बात बचा, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ, ऑफकोर्स तोड़ सकता हूँ, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
ठीक है, माइनस टू ए बी, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस थ्री टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए, एक लाइन यहां भी हमारे पास है साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, क्लियर। अब देखो बाबू यहां पे इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। थ्री टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा टू टाइम्स में से चला जाएगा, तीन में से साइन थीटा कॉस थीटा गया, दो चला गया, तो एक साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, बिल्कुल माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाई, ये क्या बचा मेरे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू। अब देखो ये टू टर्म में हम तोड़ करके लिख लेंगे, वन अपॉन इतना और इतना अपॉन इतना, क्लियर। तो यहां पे मुझे मिलेगा वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, ठीक है, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। साइन थीटा से कॉस थीटा है ना, दोनों मल्टीप्लाई में दोनों गया, यहां पे बचा वन, कितना बार में वन, तो इतना भाई इतना, ठीक है, मुझे आंसर क्या लाना था, ये तो लाना था, ठीक। क्या यहां पे माइनस होगा, गलती, देखो तीन में से दो गया तो बड़ा कौन है, ये, तो बड़ा में से छोटा गया तो पॉजिटिव इसका होगा, तो ये पॉजिटिव है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं ये लाइन हटा दूं, ठीक है, ये वाला लाइन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है, ठीक है, यहां से ये तो क्वेश्चन था मेरा, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है, समझना इसको, यहां से हटा दे रहे हैं। मिट जा तू, चलो यहां तक हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन साइन को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक, और कॉस को लिख सकते हैं ऊपर सेक, तो मैं यहां लिख लेता हूं सेक थीटा इंटू, ठीक है, कॉस का, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा और प्लस वन। क्या यही प्यार है, देखो क्या यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर लाना था ना। अब बोलेंगे सर वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना था, आपने उल्टा लेकर के आ गया, अरे बच्चों इतना तो समझो यार, इतना मत परेशान करो, ठीक है। देखो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे करके, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, लो ये आंसर हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ में आ गया, तो हम इसमें चले थे LHS से, उस साइड से, ठीक, और उसको हमने साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज किया था, साइन बाई कॉस, कॉस को कॉस बाई साइन, उसके बाद जोड़ घटाओ गुना भागा जैसे करना था वैसे हमने किया। आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था जहां पे हमने इस फार्मूले को सेट करना था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और पहले जो स्क्रीनशॉट लिया था आपने वो वाला और ये अभी वाला दोनों को, और फिर खुद से ट्राई करो, अपनी कॉपी पे पेन उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां तक कहानी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा है ना, क्वेश्चन नंबर फोर क्या दे रखा है यहाँ पे, वन प्लस सेक ए एन अपॉन में क्या दे रखा है, सेक ए, क्लियर है। यहाँ पे देख रहे हैं साइन स्क्वायर वन प्लस वन माइनस कॉस ए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका जो मैंने बताया था वो आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देखो समझो है ना, समझेंगे। तो यहाँ पे है सेक में है, सेक के फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, तो हमें यहाँ पे ना अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ तो ये भी सॉल्यूशन की तरफ है, इसमें सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, इधर से भी करेंगे तो इधर से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने सेकंड बात बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फंस जाता है जाकर के, आगे सॉल्यूशन नहीं होती है, तो हम सेकंड LHS से चल करके फिर RHS को हम लोग शुरू कर सकते हैं, दोनों साइड से बना सकते हैं। तो इस वाले केस में, इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग दोनों तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा तभी हमारा आंसर आएगा, और ऐसा आपको NCERT के बुक में भी आपको हिंट दिया हुआ होगा और आप उसको देख सकते हो। चलिए तो यहाँ देख लो आप लोग, ठीक है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं,
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग वन बाई सेक को क्या लिख सकते हैं कॉस ए, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस ए, ठीक। और इधर भी मैं सॉल्यूशन करते जाता हूँ एल एच एस भी, ये हमारा साइड है आर एच एस और ये साइड है हमारा एल एच एस, ठीक है, ये आर एच एस और ये एल एच एस, ठीक है, राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है ना, ओके समझ में आ रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत, चलो दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक गुड, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। तो मैं इधर लिख लूं, इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग अगर लिखना चाहें तो ये वाला लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है तो हम ए लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे वन माइनस कॉस ए। और मेरे पास यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे जब हम लोग इसका एलसीएम बनाएंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है तो कॉस जाएगा ऊपर, ठीक है, तो कॉस ए प्लस वन, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए और नीचे एक मेन लाइन हेडिंग है यार, ठीक है, वन बाई कॉस ए, ठीक है, ये चलेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ वन पे, तो वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, क्या फॉर्मूला आपको याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, राइट, तो एक बार मैं प्लस में लिख सकता हूँ इसको, एक बार माइनस में लिख सकता हूँ, क्लियर है ना, ठीक है, चलो तो वन माइनस कॉस ए और एक बार क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ए, है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वन माइनस नीचे क्या दे रखा है वन, क्लियर। तो क्या मैं माइनस वाले के साथ टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पे आ गया वन प्लस कॉस ए आंसर ऊपर में। यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है, तो यहाँ पे इस साइड भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कॉस प्लस वन, तो कॉस ए प्लस वन है और यहाँ क्या दे रहा है आपको यहाँ पे कॉस ए इंटू, इसको हम लोग जब हम लोग ये मेन डिवाइडिंग लाइन को इंटू में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, चेंज होगा तो ऊपर चला जाएगा कॉस ए बाई वन, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास भी यहाँ पे बचेगा कॉस ए प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एल एच एस में आपको मिल रहा होगा कॉस ए प्लस वन और यहाँ पे आर एच एस में जो मिल रहा है वो हमको मिल रहा है वन प्लस कॉस ए। तो क्या ये दोनों बात इक्वल है, आप देख पा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे कॉस ए प्लस वन है, यहाँ पे है वन प्लस कॉस है, तो कोई बात नहीं, आप जैसे यहाँ पे लिखने चाह रहे हैं वैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, एक सॉलिड टर्म में आप उसको फॉर्मेट चेंज करके लिख सकते हैं, कॉस प्लस वन हो या वन प्लस कॉस ए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि बाद में आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, ठीक है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू, मुझे क्या लेकर के आना है कॉस ए के प्लस कॉट ए, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, चलो ठीक। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन आप देखना चाहो तो देख सकते हो एनसीईआरटी में, ये आप एनसीईआरटी का पेज है, मैंने पहले भी दिखा रखा है, क्वेश्चन नंबर फाइव दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ओके चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कॉसेक और कॉट के फॉर्म में हमको लेके आना है, तो हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल चेंज करना चाहिए, कॉस को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए, हर टर्म को हम लोग साइन से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी है कॉस ए और इसके नीचे लिखेंगे हम लोग साइन ए, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, साइन ए है और यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, ठीक है, माइनस वन बाई साइन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म में हम लोग चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलो
तो मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे ज़्यादा स्पेस मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेने वाला है। तो यहाँ पे कॉस बाई साइन क्या लिख सकते हैं बाबू? कॉट लिख सकते हैं। वेरी गुड, कॉट, ध्यान देना कॉट। ये मार्कर मेरा नहीं चल रहा है, बढ़िया से चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कॉट ए, ठीक है। माइनस साइन बाई साइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? वन। अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? वन बाई साइन का रेसिप्रोकल किसका होता है? कॉसेक का होता है, ठीक है, कॉसेक ए। नीचे आ जाइए, नीचे आपको क्या मिलेगा? कॉस बाई साइन, तो वही कॉट ए प्लस साइन बाई साइन अगर कट जाएगा, मर जाएगा, तो क्या बचेगा? वन, ठीक है। माइनस क्या बचेगा? वन बाई साइन, तो बोले तो कॉसेक ए, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर, यहां तक कहानी हो गया क्लियर। क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान देना, कॉट कॉट ए, ठीक है, माइनस वन प्लस कॉसेक ए, अलग करके लिखा हूं ताकि टर्म समझ में आना लगे, है ना। ये कॉट अलग है, वन प्लस, ठीक है, यहां पे कॉट भी अलग है, नीचे वाला भी, ठीक है, ओके। यहां पे प्लस है, यहां पे वन माइनस कॉसेक ए। अब देखो यहां पे जो कहानी है वो है कहानी रेशनलाइज करने का। क्या करना है हमें? रेशनलाइज करना है। अब तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, मेथड समझना, ठीक है। अगर मेथड नहीं समझेंगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या किया गया? कॉसेक और कॉट के फॉर्म में। अब जो क्वेश्चन साइन कॉस के फॉर्म में था उसको हमने क्या करना पड़ा? कॉसेक और कॉट के फॉर्म में लेके आना पड़ा और उसको हम लोग लेकर के आ गए, क्लियर। अब यहां से कहानी कुछ आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग? रेशनलाइज करेंगे। तो नीचे वाला जो टर्म इतना प्लस इतना है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस में सेम चीज को लिखते हैं, ठीक है। तो कॉट ए और माइनस वन माइनस नीचे वाला टर्म को, ठीक है, यहां प्लस था तो मैंने यहां माइनस लिखा है। ये टर्म एक ही टर्म है तो उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा? कॉट जो ऊपर लिखा आपने वही लिखना होगा, क्योंकि दोबारा ये कट जाए आपस में, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज ना दिखे, ठीक है। कहानी समझ में आ गया? तो इतना बाई इतना, सेम टर्म ऊपर है, सेम चीज नीचे, देख लो। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कहानी खत्म, फिर से यही बचेगा। तो हम इसमें कोई चेंज नहीं किए हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए हम लोगों को करना पड़ता है रेशनलाइज, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं रेशनलाइज करना, नीचे वाले टर्म को ऊपर और नीचे दोनों से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, क्लियर। तो ऊपर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई अगर होगा, ठीक, तो सेम टर्म है यहाँ पे, ध्यान देना सेम टर्म। तो क्या मैं यहाँ पे सेम टर्म और सेम टर्म क्या क्या होगा? होल स्क्वायर होगा, इतना का होल स्क्वायर। तो कॉट कॉट माइनस वन प्लस कॉसेक ए का क्या हो जाएगा? का होल स्क्वायर, राइट, क्लियर। अब यहां पे देखो, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में हम लोग लिखते हैं। तो सेम चीज को हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे, एक बार हम लोग यहां माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब एक को स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। कॉट ए को होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का फॉर्म ये है हमारा, तो इसको लिखेंगे वन माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया कहानी। चलिए अब देखो, बड़ा सिंपल सा है कहानी, यहां पे कुछ ज्यादा नहीं करना है। हाँ, अब देखो यहां पे तीन टर्म है, एक दो तीन, ठीक है। अब तीन टर्म है तो यहां पे ख्याल रखना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, तो माइनस है बाबू, तो अगर ये माइनस अगर इसके अंदर इंटर करेगा तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, जाहिर सी बात है, क्लियर, ठीक। तो हम लोग यहां पे चेंज कर लेते हैं, यहां ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन, ये वाला भी ओपन करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पूरा का आप देखेंगे तो कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए, तीन टर्म। अब तीन टर्म का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बड़े अच्छे से आप लिख सकते हो, ठीक है,
प्लस बी, तो एक बार हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। क्या ये आपको फॉर्मूला याद है? क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? ठीक है, क्लियर है। चलिए तो मैं भी इसको इस तरीके से यहां पे लिखूंगा, क्लियर है। तो लिख सकते हैं, यहां पे लिख दीजिए, तो कॉट स्क्वायर ए ठीक माइनस प्लस, तो वन का स्क्वायर वन रहेगा प्लस कॉसेक का स्क्वायर क्या होगा, तो कॉसेक का स्क्वायर ए ठीक, माइनस है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। अब क्या देगा, 2ab, तो 2ab कौन है, यहां पे देखो 2ab a b ठीक है, फिर b c ठीक है, a b c तीन टर्म है ना, ठीक है, तो 2ab तो 2 cot देगा, क्या देगा, माइनस 2 cot देगा a ठीक। इसी तरीके से माइनस और प्लस दोनों है तो bc लेंगे तो प्लस 2 होगा, क्या होगा, 2 cosec cosec a, क्लियर। ऊपर में एक चीज और आएगा, माइनस और प्लस, माइनस ठीक है ऊपर में ही है ये लाइन ठीक है, टू कॉसेक कॉट, टू कॉसेक कॉट ठीक, क्लियर है। अब नीचे देख रहे हैं आप कॉट ए का स्क्वायर और यहां क्या है, वन माइनस कॉसेक का स्क्वायर, तो यहां कॉट का स्क्वायर तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट स्क्वायर ए ठीक माइनस ओके इसका होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और चूंकि माइनस पहले है तो हर चीज माइनस वाला प्लस में दिखेगा और प्लस वाला माइनस में दिखेगा, ठीक है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं वन का स्क्वायर, तो माइनस वन ठीक, इसी तरीके से माइनस कॉसेक स्क्वायर ए ठीक, और माइनस टू ए बी जो होने वाला था वो क्या हो जाएगा, माइनस के वजह से प्लस टू ए बी होगा, तो प्लस टू ए बी, तो ए ये है और बी ये है, तो टू ए बी, तो वन टू इंटू वन इंटू कॉसेक ठीक, तो कॉसेक कॉसेक ए, इतना तक हो गया। चलो इतना तक नोट कर लो आप लोग, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अगला लाइन लिख सकते हैं क्या हम लोग, है जगह देख लो, हो जाएगा यहां पे, यहां तक लिख सकते हैं हम लोग, है ना। चलो तो अगर हम लोग यहां देखते हैं, देखो कॉट स्क्वायर और यहां पे कॉसेक स्क्वायर है, यहां पे टू कॉट ए टू कॉसेक ए, टू कॉसेक एंड कॉट ए, क्लियर है, क्लियर है। तो कॉट के साथ यहां पे देखेंगे, यहां पे वन भी है, ध्यान देना यहां पे वन भी है, देखो यहां पे वन भी है, तो वन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो, कॉसेक कॉट का फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो मैं वन के जगह पे क्या रख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर रख सकता हूँ और माइनस कॉट स्क्वायर रख सकता हूँ, ठीक है ध्यान देना। तो अगर मैं माइनस में कॉट स्क्वायर रखूंगा तो पहले से कॉट स्क्वायर है बाबू, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉसेक रखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर पहले से भी है और कॉसेक एक और आएगा इसके वजह से, तो टू कॉसेक स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, ठीक क्लियर है। क्या मैं ऊपर मिटा सकता हूं, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है मैं लिख रहा हूं कॉट स्क्वायर ए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर ले, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंजेस्टेड है ठीक है, छोटा पड़ रहा है कॉट स्क्वायर ए, चूंकि क्वेश्चन जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा होता है ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये थर्ड वाला फॉर्मूला ब्लू वाला, वन के जगह पे ठीक है, वन के जगह पे ध्यान देना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ठीक, और प्लस करके पहले से भी यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर ए ठीक, माइनस क्या लिख सकते हैं, टू कॉट ए प्लस टू कॉसेक कॉसेक ए माइनस टू कॉसेक ए इंटू, ये फॉर्मूला हटा देते हैं हम लोग, अब ये काम का नहीं है, कॉट ए ठीक। नीचे क्या क्या बच रहा है बाबू, ध्यान देना, बहुत लंबा हो गया है, हा जा रहा है, थक गए,
थकना मना है, रिवाइटल खा लो। रिवाइटल मत खाना यार, आदत लग जाएगा। चलो याने यहाँ तक क्लियर है? देखो कॉट स्क्वायर माइनस में यहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव है। अच्छा नीचे वाला टर्म लिखना बाकी है हमारा, ठीक है? नीचे वाला टर्म, ये वाला लिख देता हूँ मैं। अच्छा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वन के जगह पे लिखना पड़ेगा ना कॉटिक, है ना? अच्छा ध्यान देना, कॉट स्क्वायर ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? लिख सकते हैं, ठीक है? चलो तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो वन माइनस पहले से है यहाँ पे, यहाँ पे माइनस पहले से है, ठीक है? तो यहाँ पे हमको क्या देगा फॉर्म, अगर चेंज करेंगे तो माइनस वन देगा, ठीक है? माइनस वन, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। चलो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस वन, माइनस वन पहले से है और इन दोनों के बदले हमको माइनस वन मिला प्लस टू कॉसेक कॉसेक ए। चलो अब देखो नीचे वाला टर्म को रहने देते हैं, ऊपर वाला हम लोग मिटा लेते हैं। इतना तक दिख रहा है सभी को? हाँ चलो हटा दे। चलो चलो बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सिखाएंगे टिक्नोमेट्री टिक्नोमेट्री। चलो यहां तक आ गए हम लोग, इसको भी मिटा ही देते हैं ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है? चलिए ये लास्ट टर्म हमारे पास ये बचा था, अब हम लोग इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक? इसको देख लो, तो पहले तो भैया कॉट से कॉट मर गया, ठीक है? कॉसेक स्क्वायर टू कॉसेक स्क्वायर बचा मेरे पास और टू कॉट ए भी बच गया मेरे पास। सही है सर, ठीक। तो कॉसेक और कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर टू कॉसेक स्क्वायर, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक? प्लस करके क्या लिख सकते हैं, माइनस करके लिख सकते हैं टू कॉट ए, माइनस टू कॉट ए, ठीक? फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिखा गया, ये भी लिखा गया, ठीक? यहां से लिख सकते हैं हम लोग प्लस टू कॉसेक ए, टू कॉसेक ए, ठीक है? और यहां क्या लिखा जाएगा, माइनस टू कॉसेक कॉट ए, माइनस टू कॉसेक कॉट ए, टू कॉसेक कॉट ए बाई। ध्यान देना नीचे क्या है, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस टू और प्लस टू, ठीक? यहां है कॉसेक ए। चलो अगला लाइन, अब क्या कॉसेक और इस कॉसेक में कॉमन है, ध्यान दो, और ये कॉट इस वाले कॉट में कॉमन है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, माइनस माइनस कॉमन, ठीक? माइनस माइनस कॉमन, टू टू कॉमन, ठीक? कॉटे 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 कॉमन, कॉटे कॉमन, क्या बचेगा यहां पे, वन। यहां क्या बचेगा, प्लस कॉसेक ए, ठीक है? अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, टू कॉमन है, कॉसेक कॉमन है, प्लस टू कॉसेक ए कॉमन, यहां क्या बचेगा, कॉसेक कॉसेक ए, ठीक? और प्लस यहां क्या बचेगा, प्लस वन। सही है, क्लियर है? चलो अब ध्यान दो आगे, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहां पे हमारे पास बचेगा कॉसेक कॉसेक ए माइनस वन। सही है, ध्यान दो। चलो यहां तक नोट कर लिए, ओके क्लियर है? ठीक। चलिए आ जाइए, अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां ध्यान देना, ठीक है? माइनस टू कॉट और यहां पे है कॉसेक ए प्लस वन,
वन प्लस कॉसेक, तो क्या मैं दोनों टर्म को सेम मान सकता हूँ? प्लस है, प्लस है, तो प्लस को कॉमन ले सकते हैं, कॉसेक ए प्लस वन कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा मेरे पास माइनस टू कॉट ए, क्या बचा? माइनस टू कॉट ए, माइनस टू कॉट ए, और यहाँ बचा प्लस टू कॉसेक ए, सही है? ठीक, नीचे आइए, यहाँ है टू कॉसेक ए माइनस वन। अब थोड़ा सा ध्यान दो आप, ठीक है, इसमें टू कहीं ना कहीं कॉमन है, निकाल सकते हैं हम लोग, टू टू कॉमन हो जाएगा, तो कॉसेक माइनस कॉट लिख सकते हैं हम लोग, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। चलो हमें क्या निकालना है, कॉसेक और कॉट निकालना है, तो क्या मैं माइनस यहां दे सकता हूं? ध्यान देना यहां पे, तो टू टू अगर हम यहां पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, समझना है यहां पे, ठीक है, और कहीं गलती तो नहीं हुआ, देख लो आप, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर, टू कॉसेक स्क्वायर माइनस टू कॉट ए, माइनस टू कॉट ए, टू कॉसेक ए, टू कॉसेक ए और माइनस टू कॉसेक कॉट, तो ये वाला इसके साथ कॉमन होना था ना, ठीक, तो हम यहाँ पे प्लस लिए थे, ओके, चलो ठीक है, ठीक, यहाँ यहाँ क्या आना चाहिए था, माइनस, देख लो, माइनस टू कॉट और कॉसेक हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ बचा मुझे, क्या बचा, यहाँ पे माइनस बचेगा ना, यहाँ पे माइनस बचेगा ना, माइनस 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 यहाँ बचेगा ना, सॉरी यहाँ माइनस बचेगा, ठीक है, माइनस, क्लियर है? अगर हम लोग माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, माइनस यहाँ डालते हैं, तो फिर माइनस ये हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, ठीक, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जब हम लोग कॉमन ले रहे थे कॉसेक का, तो टू कॉसेक और टू कॉसेक, ठीक है, कॉमन ले रहे थे, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ का कॉमन ले रहे थे, ठीक है, तो यहाँ तो हमने प्लस कॉमन ले लिया था, तो यहाँ क्या बचा, कॉसेक बचा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वन, तो ये हो गया आपका माइनस वन हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, माइनस वन, ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो कॉसेक माइनस वन कट गया, यहाँ से देखो टू टू कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, टू टू कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉट ए, ठीक है, और प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए, और नीचे क्या बच जाएगा, माइनस टू, तो माइनस टू से माइनस टू कॉमन, खत्म, तो आपके पास आंसर आ गया ये वाला, इसको लिख लो बढ़िया से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया आंसर, चलो प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ गया कहानी यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप क्या करो, ठीक है, यहाँ पे टैप करो और उसको आगे बढ़ाओ, सॉरी पीछे कर लो और फिर से देखो आप, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, एक दो बार देखेंगे समझ में आएगा, और खुद भी प्रैक्टिस करो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे मेथड मैंने बताया है, उसको आप रिवाइज करना है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं इधर LHS से चलने वाला हूँ, LHS को हम लोग रेशनलाइज करेंगे, वन प्लस साइन ए, ठीक है, वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस, हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए और वन प्लस साइन ए, ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं माइनस है, तो हम लोग यहाँ प्लस लगाए हैं, और जैसे अंडर रूट था वैसे अंडर रूट रहेगा, ठीक है, तो ऊपर वाला में आप देखेंगे अंडर रूट है, एक बार प्लस एक बार पास, दोनों प्लस है, तो एक बार क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर वाला का रूट, ठीक, नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा रूट। अब यहाँ पे गौर से देखो,
ये स्क्वायर ये रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ऊपर बचेगा मेरे पास वन वन प्लस साइन ए, ठीक है, नीचे क्या बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे आप देखो, ठीक है, यहां पे रूट है, ठीक, यहां पे वन प्लस साइन को वैसे ही लिख देंगे जैसे है, ठीक, हो गया क्लियर। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब यहां पे लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट, तो अंडर रूट और ये स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इधर क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, और दोनों को हम लोग अलग अलग करके लिख लेंगे, तो वन बाई कॉस ए प्लस साइन बाई कॉस ए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस को, वन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं, ठीक है, सेक ए, और प्लस साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो टैन लिख सकते हैं, हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक देख लो, क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा टू कॉस क्यूब माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू मुझे क्या लाना है टैन थीटा लाना है हम लोगों को, तो यहां पे समझो देखो, यहां तो हम लोग आरएचएस से मूव नहीं कर सकते बिकॉज मेरे पास क्या है टैन थीटा है, तो टैन थीटा को ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं वन बाई कॉट लिख सकते हैं, टैन का या तो हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस क्या लिख सकते हैं सेक, है ना, स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो अगर हम लोग इधर से एलएचएस से चलेंगे तो मेरे पास बहुत सारा है मेथड कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो चुपचाप से जैसे सॉल्व करते हैं जोड़ घटा गुना भागा सिंपल सी बात को हम लोग करते हैं, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखेंगे साइन साइन अगर हमको कॉमन मिल रहा है तो साइन कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा मुझे मिल जाता है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कॉस कॉस कॉमन है तो कॉस कॉमन ले लिए, यहां क्या मिला मुझे, यहां कॉमन मिल गया कॉस, तो यहां क्या बच गया मेरे पास टू बच गया, कॉस बच गया, स्क्वायर बच गया और थीटा बच गया, यहां पे क्या बच गया, यहां पे बच गया मेरे पास वन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लोग टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं जैसे है, तो साइन थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, नीचे आ जाइए, क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो नीचे है कॉस, तो कॉस थीटा हो गया, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे है टू और अंदर में यहाँ पे इंटू करके कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू, क्लियर, यहां वन है ब्रैकेट माइनस वन, ठीक, ओके, अब इसको तोड़ दीजिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर क्या है, ऊपर चुपचाप से जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, साइन थीटा वहां पे है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, नीचे आ जाइए कॉस है, तो कॉस है लिखेंगे टू वन जार टू, ठीक है, और टू को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और पहले से माइनस वन है तो पहले से माइनस वन लिखेंगे, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा वन बचेगा, ठीक, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा वन माइनस, ऊपर वाला सेम एज सेम चल रहा है, टू साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने, नीचे क्या हो जाएगा दो में से एक गया तो बचेगा मेरे पास वन बचेगा, क्या बचेगा वन, नीचे क्या है कॉस थीटा, ठीक है, और यहां बचेगा वन, वन लिखेंगे माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये दोनों टर्म आपस में इक्वल है, अब कॉस इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे बचेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आपको तो पता हो गया कि आंसर क्या होने वाला है, टेन थीटा, साइन बाई कॉस टेन थीटा प्रूफ, ठीक है,
बड़ा इजी था, सो इजी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, ठीक। और लाना क्या है, सेवन प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, यहां से आएगा ये सेवन। चलो सेवन लाते हैं, कोई बात नहीं आ जाएगा, बड़ा इजी है। तो हम लोग चलेंगे LHS से, क्योंकि उधर हमारा कोई काम नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं टूटने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, हॉल स्क्वायर तोड़ेंगे, इसका भी हम लोग हॉल स्क्वायर तोड़ देंगे, चलिए ना। चलिए इसका हॉल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो जैसे हम लोग तोड़ते हैं वैसे तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉसेक ए, राइट, क्लियर। अब इसका तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, टू इंटू कॉस इंटू सेक, टू इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, दिख रहा है, ठीक। अब यहां पे आ जाइए साइन स्क्वायर, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, चूंकि यहाँ प्लस है तो हमारा ये अंदर का जो पार्ट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। साइन स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर, ठीक, एक जगह लिख लेते हैं, अगर ब्रैकेट है तो रहने दे सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक जगह लिख सकते हैं हम लोग, प्लस कॉस स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। चलिए अब आ जाइए sec स्क्वायर, ठीक है, यहाँ है cosec स्क्वायर, sec, ठीक, sec और cosec प्लस sec स्क्वायर a, ठीक, और यहाँ है प्लस cosec स्क्वायर a, यहाँ पे है प्लस करके टू sin cosec, sin और cosec, तो यहाँ देखेंगे टू sin a, ठीक है, इंटू cosec का reciprocal क्या होता है बाबू, तो cosec का होता है sin वन बाई साइन ए, क्लियर, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा टू कॉस ए, ठीक, इनटू सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बाबू, वन बाई कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल और टैन साइन से साइन बन गया, ठीक। अब यहां पे लिख क्या सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का बदली हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन, ठीक है, वन लिख सकते हैं, और यहाँ पे sec a के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो भी हम दिखा दे रहे हैं, ठीक। अच्छा पहले ये sin से sin कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा मेरे पास 2 प्लस cos से cos कैंसिल हुआ तो 2 वन आर 2, ये हो गया क्लियर। चलिए प्लस sec के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, किसके बदली है sec का, प्लस cosec का क्या होता है, तो cosec का आप देखेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो यहाँ पे 1 2 2 और 1, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 2, ठीक है, 2 2 4, 4 2 6, 6 7, 7 आ गया, यही तो लाना था, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे आ गया सेवन, यहाँ बचा टेन स्क्वायर, यहाँ बचा कॉट स्क्वायर, तो प्लस टेन स्क्वायर ए, पहले टेन था तो मैंने पहले लिख दिया, और कॉट लिख देते हैं, कॉट स्क्वायर हो गया ब्लू, इजी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्लस करके ये वाला टर्म था, ये वाला, ठीक है, cos का sec का reciprocal 1 by cos, cos cos cancel, यहां 2 मिला, sin sin cancel हुआ, यहां पे 2 मिला, sin square cos square का value 1 होता है, तो इसकी भी value हमने यहां से यहां पे put किया, ठीक है, 1, तो 1 plus 2 plus 2, और sec का value होता 1 plus tan square, cosec का value होता 1 plus cot square,
तो मुझे tan और quad के फॉर्म में चाहिए था, तो tan quad के फॉर्म में भी आ गया, प्लस 7 भी आ गया, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे पास आ गया ये क्वेश्चन नंबर 5 का 9, ये 9 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या है, दो है, एक टर्म LHS है, एक RHS है, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक साइड सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला है, लिख लो आप, ठीक है। तो आपको इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया था 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जब आप किसी भी टर्म को, किसी भी क्वेश्चन को आप साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देते हो, ठीक। तो सो हम लोग भी यहीं पे करेंगे, ठीक है, यही काम करेंगे। तो साइन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में, तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, ठीक है, तो आप मल्टीप्लीकेशन ही कर लो पहले, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद साइन कॉस के फॉर्म में लिख लेना, वहां पे भी इजी हो जाएगा। तो दोनों तरह से आपको हमको सॉल्व करना है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो पहले, ठीक है, 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए, ठीक है, और कॉस ए, प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए क्वाड को कॉस बाई साइन, ठीक। अब देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन कॉस, ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, 1, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन साइन, साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस, साइन से साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। अब अगला लाइन में आप क्या लिखेंगे इसको, 1 मेन लाइन, ठीक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1, तो 1 होता है, नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, इसको डिवाइड में करेंगे तो, ठीक है, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, साइन इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है, 1/1, तो 1/ क्या हो जाएगा, साइन ए और कॉस ए, ठीक, यहाँ पे रेसिप्रोकल करेगा। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इधर जो आया आपके पास वो आपको दिख गया, ठीक है, तो इधर हमको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। चलिए कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई, कॉस को क्वाड के साथ, साइन को इसके साथ, साइन को इसके साथ, तो कॉस के साथ करेंगे, कॉसेक ए इंटू सेक ए, कॉसेक ए कॉस ए, ठीक, साइन को करेंगे इसके साथ, तो माइनस साइन ए इंटू सेक ए, ठीक है, इसका साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस, ठीक है। चलिए कॉसेक और सेक का रेसिप्रोकल क्या बनता है, कॉसेक का बनता है 1/ साइन ए इंटू 1/ कॉस ए, माइनस कॉसेक का क्या बनता है, ठीक है, कॉसेक ए और कॉस ए, कॉसेक का बनता है 1/ साइन, ठीक है, इंटू कॉस का क्या बनता है, कॉस का कॉस ही रहता है, कॉस बाई साइन, माइनस साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू सेक का क्या लिख सकते हैं 1/ कॉस ए, प्लस साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक, क्लियर। चलो हम लोग राइट साइड पर भी बात करेंगे, एलएचएस पहले सॉल्व कर लेते हैं और आपको हमने दिखा भी दिया है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/ साइन कॉस, और यहाँ हो जाएगा कॉस बाई साइन, यहाँ हो जाएगा साइन बाई कॉस, ठीक, वहां हो जाएगा साइन कॉस, ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन ए कॉस ए, ठीक, और वहां पे हो गया प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक, माइनस माइनस यहाँ हो गया कॉस बाई साइन, तो हो जाएगा मेरे पास कॉट ए, ठीक, और यहां हो जाएगा माइनस टेन ए, क्लियर है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं आप, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, और
एक चीज और, अगर आप इसको सेम रहना चाहते हैं तो रहने दीजिए, cos a by sin a, ठीक है, और sin a by cos a, ठीक, क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए पूरे तरीके से, जितना बड़ा हो सकता है आपसे, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, sin cos sin into cos, ठीक है। इसको आप चाहें तो अलग से सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका, इन दोनों का यहाँ पे जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस साइन ए स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। चलिए यहाँ पे हो गया ये, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे हमको मिलेगा साइन साइन के साथ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, चूंकि हमने माइनस माइनस पहले से कॉमन ले लिया था, यहाँ पे क्या बचेगा वन बाई साइन इंटू कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे साइन कॉस सेम मिल रहा है, तो साइन ए इंटू कॉस ए हमें मिल रहा है, क्लियर। यहाँ पे मिल रहा है वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, इंटू है कॉस स्क्वायर ए, और माइनस है यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे मिल रहा है मुझे वन, ये वन से ये वन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या मिला मुझे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, नीचे पहले से है साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन एक साइन से एक स्क्वायर, कॉस से यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, देखा, देख, तो एक साइन से एक साइन और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो मुझे मिल गया यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था टैन को, तो टैन को हमने क्या बनाया था साइन बाई कॉस, और कॉस पार्ट को क्या बनाया था कॉस बाई साइन, यहाँ पे आपको जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे एलसीएम वाला बनाते हैं सेम एज बनाएंगे, और यहाँ पे आपका ये फॉर्मेट आपको आ जाएगा साइन इंटू कॉस, ये भी आ गया साइन टू कॉस, तो एल एच एस, ठीक है, ये आपका एल एच एस हो गया और ये आपका आर एच एस हो गया, ठीक है, तो दोनों तरफ हमारा क्या है इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं प्रूव हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो कि इसमें दो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तीन टर्म है, तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है। पहला तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमको प्रूफ करना है, टैन स्क्वायर ए लाना है। दूसरा है 1 माइनस टैन टैन और 1 माइनस टैन का होल स्क्वायर है कॉट का, ठीक है, ऊपर टैन है नीचे कॉट है, उस वाले में प्लस था इस वाले में माइनस है, हमको क्या लाना है टैन स्क्वायर लाना है, तो एक एक करके यूज करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा, फिर इतना को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये सब आपस में क्या है इक्वल साबित हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना इस वाले पार्ट को, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके वो सॉल्व करेंगे, इतना बराबर इतना आता है नहीं आता है वो चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है, तो हम लोग 1 प्लस टैन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर ए, बड़ा सिंपल है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे सॉल्यूशन ये है, ये बड़ा इजी सॉल्व होने वाला है, sec स्क्वायर a बाय 1 प्लस cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot, 1 प्लस cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a, ठीक, लिख सकते हैं। cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos होता है, 1 बाय cos स्क्वायर a बाय, यहाँ cosec का क्या होता है तो sin होता है, sec का cos और cosec का sin, चूंकि ये मेन डिवाइडिंग लाइन है तो इतना बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू, अगर इसको मैं इंटू में चेंज करूंगा, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1, तो साइन स्क्वायर ए ध्यान देना, ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए,
तो साइन बाई कॉस क्या होता है टैन स्क्वायर ए। एक तो हो गया ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, 1 प्लस टैन स्क्वायर की जगह पे सही लिखा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा, सेक को कॉसेक को हमने क्या किया साइन 1 बाई कॉस के फॉर्म में लिख दिया और कॉसेक को 1 बाई साइन के फॉर्म में लिख दिया। यही है बेसिक फंडा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जब आप किसी भी टर्म को साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना करने के बाद आपको ये फॉर्म मिल जाएगा 1 बाई कॉस, ये रेसिप्रोकल होकर के साइन ऊपर 1 नीचे ठीक है, ये साइन बाई कॉस को हम लोग क्या लिखते हैं इजी वेरी इजी ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो इसको भी लिख लीजिए, इसको हटा दें, चलो इसको हटा दें। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे ठीक है, इस वाले पार्ट को, तो मैं यहां लिख लेता हूं 1 माइनस टैन स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, नीचे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कट ए का होल स्क्वायर ठीक, दोनों पे होल स्क्वायर है तो इस पे भी होल स्क्वायर, इस पे भी होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर तोड़ दीजिए ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए ठीक, और क्या हो जाएगा माइनस 2 टैन ए बाई, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, क्लियर है। चलिए अब देखो यहाँ पे 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसके रिलेटिव में लिखा जाए ठीक है, 1 के जगह पे sec और tan लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं sec और tan लिख सकते हैं, फिलहाल हमको tan स्क्वायर चाहिए तो आप इसको क्या करो सिंपली जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हो sin cos में चेंज करके ठीक है, चेंज कर लो तो 1 हो गया प्लस हो गया, tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a प्लस नहीं माइनस 2 साइन ए बाई कॉस ए, नीचे आ जाइए, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई सॉरी कॉट है तो उल्टा लिखाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे तो माइनस होगा ठीक है 2 कॉस ए बाई साइन। अब देखो यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लो नीचे भी सॉल्व कर लो ठीक है, बड़ा इजी है। चलो अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप वीडियो पॉज करो सॉल्व करो खुद से ठीक है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ ओके। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस है तो कॉस स्क्वायर और कॉस का जो एलसीएम होगा वो कॉस स्क्वायर ही होगा ठीक है। चलिए तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्लियर है, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस पहले से कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए देगा माइनस माइनस ठीक, कॉस से कॉस कटा तो कॉस और साइन ऊपर जाएगा तो 2 साइन ठीक है ए इंटू कॉस ए ठीक, क्लियर। अब आ जाइए नीचे, नीचे आएंगे तो साइन का एलसीएम क्या देगा साइन देगा, साइन स्क्वायर देगा, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए यहाँ पे ठीक 1 की जगह प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा 1 ठीक, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन से साइन कटा एक साइन बचा तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 साइन ए इनटू कॉस ए। देखो आप गौर से देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है आपस में इक्वल दिख रहा है कैंसिल आउट होगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और 1 बाई साइन स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ठीक है ये वाला रेसिप्रोकल करेगा साइन ऊपर तो क्या फॉर्म बनाएगा टैन बनाएगा, दिख गया वेरी गुड। चलो ये वाला हो जाएगा कैंसिल, ये वाला हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बच गया आपके पास 1 बाई कॉस स्क्वायर ए ठीक अपॉन 1 बाई साइन स्क्वायर ए, यहां तक दिख रहा है, दिख रहा है ठीक है। अब ये है आपका मेन डिवाइडिंग लाइन,
तो यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर ए के साथ इनटू, इसको इनटू करेंगे तो ये वाला क्या चल जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर नीचे वन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन बाई कॉस, मतलब साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, हो गया आंसर। तो कैसे हैं आप लोग, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बड़े जबरदस्त तरीके से, और ये चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट किया काफी अच्छे तरीके से, काफी डीपली किया, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज था काफी लंबा गया, लंबा जाने का कारण था कि ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे हार्ड और पूरे जो 10th क्लास का है सबसे हार्ड होने वाला था, ये सबसे हार्ड हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ, ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे, आप हमेशा पढ़ाई करते रहो और अपने दोस्तों को, अपने जो फैमिलीज मेंबर हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उसको भी आप शेयर करो इस वीडियो को, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशंस आपको बढ़िया से मिल गया होगा। आप ऐसे ही बने रहिए आपका यूट्यूब चैनल प्यारा सा खूबसूरत सा एमआईएफ टुडे। थैंक यू वेरी मच।